Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and decision Making. This is module number 245, and the topic of discussion is the functions of leadership. Remember one thing that leadership is a tough challenge, and being a leader, you have to be careful chalna padega, the situation, followers, aapki requirements what they are. When we talk about the situation and when we talk about the followers and the challenges, there are certain functions which you have to perform as being a leader, and those functions are discussed as in displayed in the diagram. First of all, there are different types of roles which you have to think about. For example, you have to achieve the task, you have to build and maintain the team, and you obviously have to develop the individuals. Abin roles ko perform karnak There are different functions which require your utmost attention. For example, आपको अपने टास्क को अप्रोप्रिएटली एलेबोरेट करना है उस टास्क की रिक्वायरमेंट क्या है उस टास्क में कौन कौन सी एक्टिविटीज वो शामिल हैं उस टास्क से रिलेटेड प्रायोरिटीज क्या क्या हैं सो यू हैव टू डिस्कस एंड डिफाइन द टास्क इन ए राइटफुल फैशन और जितना आप क्वांटिटेटिवली अपने टास्क को डिफाइन कर पाएंगे उतना ही बेहतर हम अपने टारगेट्स को अचीव वो कर सकते हैं सो दैट मीन्स के द टास्क शुड ऑलवेज बी डिफाइंड इन अ स्मार्ट फैशन And by the word smart, we mean to say that we have to be specific, measurable, achievable, realistic, and time framed. So we have to operate in a smart fashion. Now, your planning requirements. वो क्या क्या हैं? आपने किस तरह से अपने तमाम एस्पेक्ट्स को ब्रीफ करना है आपके पास कंट्रोलिंग पैरामीटर्स वो अप्रोप्रिएटली अचीव हुई कि नहीं हुई आप लोगों को मोटिवेट कैसे करोगे आप सिचुएशन को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे और पर्टिकुलरली जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो वो माइट बी कंसर्ड विद दाइव डब्ल्यूज व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ हु कौन कब कहा क्यों कैसे क्या कर रहा होगा so, ये तमाम चीजें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रोल एसोसिएशन, ये सब हमें डेवलप करनी है. और उसी के साथ साथ यू हैव टू प्रोवाइड एन आपको एक रोल मॉडल के तौर पर भी अपने आप को लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट वो करना है इसी तरह अगर हम एक प्लानिंग टीम मेंबर्स अगर हम इसके सबसे लोअर दर्जे को देखें विच इज लेवल वन तो यहां पर लीडर मेक्स अ प्लान एंड अनाउंस इट यहां पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की है जबकि अगर हम इस कॉन्टिन में मूव करें और हम लोगों को फ्री विल देनी शुरू करें इस सूरत में कि दे आर रेडी एंड दे आर ऑल्सो एबल टू परफॉर्म द तो उस सूरत में द द नेक्स्ट स्टेप वुड बी दैट लीडर सेल्स ओन प्लान द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द लीडर प्रेजेंट्स आइडियाज एंड इन्वाइट्स क्वेश्चन इसके बाद द लीडर प्रिजेंट टेंटेटिव प्लान सब्जेक्ट टू चेंज इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि कि अब हो, यहां क्या रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को और दे रहे हैं हम उनकी विल को यूज कर रहे हैं काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए और लीडर का जो पर्टिकुलर अथॉरिटी और रोल है इट इज गेटिंग डायलिटेड इसी तरह नेक्स्ट लेवल के ऊपर डिफाइन द लिमिट्स आस्क

लीडर की अथॉरिटी और लीडर की पावर इट इज गेटिंग ऑन द लोअर साइड और जो फॉलोअर्स का पार्टिसिपेशन है उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इट इज इंक्रीजिंग यहां पर यह बात सोचनी बहुत अहम होगी कि फॉलोअर में रेडीनेस एबलनेस विलिंगनेस वो किस कदर है और अगर वो एबल एंड विलिंग होंगे तो तभी वो बेहतर तौर कॉन्ट्रीब्यूट वो कर सकेंगे अदरवाइज हो सकता है कि आपको टेलिंग और सेलिंग स्टाइल वो यूज करना पड़े डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा लीडरशिप इज ए कंटिनुअस प्रोसेस और उस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में आपको हर लम्हे ये देखना है कि आपके फॉलोअर्स उनकी जरूरियात उनकी काबिलियतें वो क्या हैं उनके पास कौन कौन सी कटिंग एज एक्सपर्टीज हैं और उन एक्सपर्टीज को यूनिक वे में किस तरह से आप यूज कर सकते हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो नतीजे हैं वो बेहतर हासिल हो सकें थैंक यू